फ्रेंड्स, ये द मधुबन होटल का मैरिज हॉल है। फोर्थ फ्लोर पे द मधुवन होटल में यहाँ पे एसी लगी हुई है चारों तरफ, और सामने ही आपको दिखा देती है रेस्टोरेंट है। अभी मैं आपको रेस्टोरेंट जाकर के दिखाती हूँ। बारिश का मौसम है, काफी बारिश हो रही है और काफी अच्छा लग रहा है। ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है। अभी शायद यहाँ पे ग्लास वाला लगेगा, और ऊपर स्विमिंग पूल भी है जो फिफ्थ फ्लोर में, और जो शादी पार्टीज होती है उसके लिए ओपन होता है स्विमिंग पूल, और कॉन्फ्रेंस हॉल भी है यहाँ पे। तो अगर आप होटल के साथ साथ यहाँ पे शादी वगैरह भी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। देखिए सभी जगह एसी लगी हुई है। देखिए यहाँ पे एक रूम है जो शायद सामान वगैरह रखा हुआ होगा उसमें, और देखिए यहाँ से विंडो है जो मैं आपको फोर्थ फ्लोर से व्यू दिखा रही हूँ। देखिए यही है सिटी रोड, ये होटल के बाहर का नजारा है। ये वो शादी में यूज होने वाला सामान है। ये होटल के बाहर का नजारा है, ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो सामान है शादी में यूज होने वाला सामान है, यही है जीटी रोड। आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ खड़े हैं, और ये दिल्ली कोलकाता को कनेक्ट करता है, और यहीं से 40 किलोमीटर की दूरी पर आसनसोल है जहाँ से बंगाल वेस्ट बंगाल का बॉर्डर शुरू हो जाता है। बहुत बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है। रेस्टोरेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ये होटल मधुबन का रेस्टोरेंट है। और आपको सामने मैं मैरिज हॉल दिखाई हूँ। देखिए यहीं से एंट्री है। अभी हम लोग चाय पीने आए हैं, और भी मेन्यू में बहुत कुछ है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। रूम में भी आ सकता है, और हम लोग एक बार रूम में चाय पी लिए हैं, इसीलिए हम सोचे कि चलो रेस्टोरेंट में आपको दिखा भी दे और चाय भी पी ले। ऊपर देखिए सीलिंग लाइट लगी हुई है।
ये देखिए कितना सुंदर है। सामने टेबल है। एसी भी लगी हुई है। आप रूम में भी ऑर्डर कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताई, और आप तो यहाँ भी आकर के खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने रेस्टोरेंट से चाय ऑर्डर किया है, तो चाय आई है। चाय की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मुझे 30 रुपये में एक कप मिली चाय, 2 कप 60 रुपये में। और देखिए चाय प्योर दूध का है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये जो दाग और जो बूंद है वो देखिए नीचे नहीं गिर रहा है। और अगर यही पानी मिला रहता अगर दूध में, तो आपको पता चल जाता कि चाय, हाँ, इस तरीके से आपको नहीं रहता दूध, सॉरी दाग जो है। Thank you.